हाय गाइस, आज हम बनाएंगे कैरेमल पॉपकॉर्न्स। बाहर से हम अक्सर इन्हें परचेज करते हैं और बहुत एक्सपेंसिव हमें मिलते हैं, लेकिन अब हम इन्हें घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान, डिलीशियस और क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक गहरा पतीला, फ्लेम हमने ऑन कर दी है और इसमें हमने ऐड किया है आधा कप मकई। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इतना ऑयल ऐड करेंगे कि मकई के दाने अच्छी तरह से उसके अंदर डिप हो जाएं। अभी मैंने 5 टेबलस्पून ऐड किया है। मकई के दानों को हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक पॉपकॉर्न रेडी नहीं हो जाते। वैसे तो इस पतीले का ढक्कन स्टील का है, लेकिन मैं यहाँ पर शीशे का ढक्कन इस्तेमाल करूँगी ताकि आप आराम से देख सकें कि किस तरह से पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कुछ दाने मकई के पॉपकॉर्न्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। इस मौके पर आप फौरन से एक ढक्कन लेंगे और पतीले को ढक देंगे और आपको आवाज़ भी सुनाई देने लगेगी कि किस तरह से पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं, जैसा कि आप अभी सुन भी सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पॉपकॉर्न या तो बहुत सख्त बनते हैं या सही से फूल नहीं पाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम ऑयल बहुत कम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मकई के दाने सही से ऑयल में डिप नहीं हो पाते हैं और सही से बन नहीं पाते हैं हमारे पॉपकॉर्न। बिल्कुल इसी वजह से अगर हम ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल सही रखेंगे तो हमारे पॉपकॉर्न बिल्कुल अच्छे बनेंगे, अच्छी तरह से फूलेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे, जैसे कि अभी बन के रेडी हो चुके हैं। जैसे ही पॉपकॉर्न बनने की आवाज़ रुकती है, हम फौरन से ढक्कन हटा लेंगे और साथ ही इन पॉपकॉर्न्स को एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा अगला स्टेप है कैरेमल सॉस को रेडी करना। कैरेमल सॉस रेडी करते ही हम इन पॉपकॉर्न्स को उस सॉस में डिप करेंगे। अच्छी तरह से कोट करने के बाद उन्हें ठंडा करने के लिए ही रखेंगे और फिर हमारे पॉपकॉर्न्स रेडी हो जाएंगे। कैरेमल सॉस के लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और स्लो फ्लेम पर उसे मिक्स करते रहेंगे। चम्मच हमें मुस्तकिल चलाते रहना है, वरना चीनी चिपक जाएगी और जल जाएगी। चम्मच चलाते रहेंगे और हल्की आंच पर इसे पकाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पकाने के साथ चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। चीनी मेल्ट होती रहेगी और एक टाइम के बाद मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाएगी और अपना कलर चेंज करने लगेगी, जैसे कि आप अभी देख भी सकते हैं। बस चूल्हा आपने इस मौके पर हल्के रखना है, तेज़ नहीं करना है। हल्की आंच पर चम्मच चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि प्यारा सा कलर हमारे पास आ गया है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा पकाएं, और अगर बहुत लाइट कैरेमल टेस्ट पसंद है तो हल्का सा इसी स्टेज पर छोड़ दें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 2 to 3 ड्रॉप्स, ताकि इसका टेस्ट मज़ीद बेहतर हो सके। ये हमने वनीला एसेंस को ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। 1 से 2 चुटकी जाएगा ये, और इसको अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे। इससे क्या होगा कि कैरेमल सॉस काफ़ी थिक और फोमी हो जाएगी और कलर भी मज़ीद बेहतर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 चुटकी नमक डालेंगे ताकि टेस्ट मज़ीद बेहतर हो जाए, और साथ ही चूल्हा बंद करेंगे और पॉपकॉर्न्स को ऐड कर देंगे। हमारा अगला स्टेप है कि पॉपकॉर्न्स को अच्छी तरह इन कैरेमल सॉस में मिक्स कर लें, ताकि पॉपकॉर्न्स के ऊपर सारी सॉस अच्छी तरह से कोट हो जाए। पॉपकॉर्न्स को कैरेमल सॉस में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं और जो कैरेमल सॉस है वो वापस से जमने लगे और पॉपकॉर्न्स को मज़ीद क्रिस्पी और टेस्टी बना दे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें अलग कर लेंगे, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ। एक एक दाने को अलग कर लेंगे और एक बर्तन में अच्छी तरह से हम स्टोर कर लेंगे इनको। बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही लाइट हैं और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। सारे पॉपकॉर्न्स को अलग कर लें और एक जगह मिक्स कर स्टोर कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोज़ मिल सकें।